सीमांचल से अल्पसंख्यक हिंदू कर रहे हैं पलायन। सीमांचल बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से सटे बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया को समेकित रूप से इसी नाम से पुकारा जाता है। इस समय सीमांचल खतरे में है। बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों के कारण इस इलाके की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल गई है और अल्पसंख्यक हिंदू यहां से पलायन करने पर मजबूर हैं। आपको याद होगा जब देश में एनआरसी और सीएए को लेकर बड़ी बहस छिड़ी थी तो कुछ लोग इसके विरोध में किस तरह धरना प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली में तो इस वजह से दो गुटों में गोलियां तक चली और पूरा दिल्ली भयाक्रांत हो गया था। एनआरसी वो कानून है जिसके तहत अवैध तरीके से बसे लोगों को देश से निकाला जाता है, लेकिन भारत में कुछ राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को आसानी से भारत में बसने दिया, जिसकी वजह से भारत के कई हिस्सों की डेमोग्राफी बदल रही है और जहां हिंदू बाहुल जनसंख्या थी वहां मुस्लिम बाहुल जनसंख्या हो रही है। उसी का दंश अब सीमांचल भी झेल रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेशी मुसलमानों ने पिछले कुछ दशकों में यहां जबरदस्त घुसपैठ की है। 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज में मुस्लिमों की जनसंख्या 67.58% थी तो हिंदू मात्र 31.43% रह गई। कटिहार में 44.47, अररिया में 42.95 और पूर्णिया में मुस्लिम जनसंख्या 38.46% हो चुकी है। 1911 की जनगणना को देखें तो सीमांचल में जनसंख्या अनुपात सामान्य था। 1971 में भारत पाक युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के गठन के बाद बड़ी संख्या में बांग्लादेशी असम पहुंचे। उसके बाद ये सीमांचल के कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया आदि जगहों में बसने लगे। देश में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत 14.23 है, जबकि बिहार में ये 17% है, लेकिन सीमांचल में बिहार से दोगुने से भी अधिक है। ये घुसपैठ की पुष्टि करता है। आंकड़ों के अनुसार बिहार में 10 साल की जनसंख्या वृद्धि दर 25.4 है। 2001 से 2011 के बीच 10 साल की जनसंख्या वृद्धि दर पर नजर डालें तो पूर्णिया में 28.66, कटिहार में 30, अररिया में 30 और किशनगंज में ये 30.44% है। घुसपैठ को नकारने वाले दलील देते हैं कि मुस्लिम बाहुल इलाका होने के कारण सीमांचल में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, लेकिन इस दलील को मुंगेर जिला की रिपोर्ट नकारती है। बिहार में ही बांग्लादेशी सीमा से दूर जिले की दो अल्पसंख्यक बाहुल पंचायत मिर्जापुर बरदहा व श्रीमतपुर में जनसंख्या की 10 साल की बढ़ोतरी दर 25.78 और 21.23% है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राम नरेश सिंह कहते हैं, एक सोचे समझे षड्यंत्र और वोट बैंक के कारण इस इलाके में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाई जा रही है। जिस तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां इन इलाकों में चल रही हैं, वे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे में हिंदू सीमांचल से पलायन कर रहे हैं। बांग्लादेश और नेपाल के बीच मेची नदी की खुली सीमा बांग्लादेशी घुसपैठियों के आवागमन का आसान मार्ग है। घुसपैठ के बाद वे कहीं ठिकाना मिल जाए तो अपनी आबादी तेजी से बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि किशनगंज तो पहले से ही मुस्लिम जिला थी, वहीं अररिया, पूर्णिया, कटिहार में भी मुस्लिमों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और जल्द ही यह जनसंख्या हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। सीमांचल में जहां 1951 के जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या 67.62% थी, वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घटकर 53.05% हो गई है। वहीं 1951 में मुस्लिमों की जनसंख्या 30.12% थी, वो बढ़कर 2011 के जनगणना के अनुसार 45.93% हो गई है, जो बेहद ही चिंताजनक है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।